दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको विद्यार्थी के लिए उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण श्लोक एवं सूत्र बताएंगे और उनके अर्थ भी समझाएंगे। तो चलिए जानते हैं उन चुनिंदा श्लोकों के बारे में जो अपने आप में है अद्भुत और अद्वितीय। पहला श्लोक, दीपो भक्षयते ध्यानतम कंचलम च प्रसूयते तदन्नम भक्षते नित्यम जायते तादृशी प्रजा। अर्थात एक दीपक अंधेरे का भक्षण करता है, इसीलिए काला धुआं बनता है। इसी प्रकार हम जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करते हैं, माने सात्विक, राजसिक या तामसिक, ठीक उसी प्रकार के विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। दूसरा सूत्र, शांतितुल्यम तपो नास्ति न संतोषात परम सुखम न तृष्णया परो व्याधिर न च धर्मो दया परः। अर्थात एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं और दया के समान कोई गुण नहीं। चलिए जानते हैं और एक सूत्र, यथा ही पथिकः कश्चित् छायाम् आश्रित तिष्ठति विश्रम्य च पुनर्गच्छेत् तद्वत् भूत समागमः। अर्थात जिस प्रकार यात्रा करने वाला व्यक्ति कुछ समय वृक्ष के नीचे विश्राम करता है और आगे निकल जाता है, उसी प्रकार अपने जीवन में अन्य मनुष्य भी थोड़े समय के लिए उस वृक्ष की तरह छांव देते हैं और फिर उनका साथ छूट जाता है। तो ये तो हुआ तीसरा श्लोक। चौथा सूत्र, जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सहेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अर्थात जिस तरह बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार विद्या, धर्म और धन का संचय होता है। दोस्तों, कहने का मतलब है छोटे मात्रा में होने पर भी इन तीनों पे दुर्लक्ष नहीं करनी चाहिए। पांचवा तथा अंतिम सूत्र, न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे।